बढ़ते आगे और बात मुंबई की। मुंबई में चुनावी माहौल गर्मा रहा है। विधानसभा चुनाव चंद महीने दूर हैं, लेकिन अभी से रणनीति के तार बुने जा रहे हैं। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर बेहद तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया था। अब बीजेपी इसका हिसाब बराबर करने के लिए बड़े मिशन पर है, जिसकी शुरुआत मुंबई से हो रही है। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की समझ, ये मुंबई और महाराष्ट्र को असुरक्षित कर रहा है। उद्धव ठाकरे के इस सियासी अल्टीमेटम का हिसाब बराबर करने के लिए बीजेपी ने पहला टारगेट सेट कर दिया है। इसके तहत बीजेपी ने मुंबई की 36 विधानसभा सीटों से उद्धव की पार्टी का सफाया करने का मिशन तय किया है। कोकण और मुंबई में उद्धव जी ठाकरे का पूरा सफाया हुआ है। आने वाले समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति ही ज्यादा से ज्यादा सीट मुंबई से जीतेगी। अब विधानसभा के आगामी चुनाव में मिशन दे रहा है मिशन मुंबई 36 की 36। अरे भाई, मुंबई भी हारोगे, महाराष्ट्र भी हारोगे, 288 में से सब मिलाकर 80 भी नहीं आने वाले। आपकी मराठी है, ये आपका महाराष्ट्र है। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब शिवसेना दो हिस्सों में नहीं बंटी थी, उसका बीजेपी के साथ गठबंधन था। तब मुंबई की कुल 36 सीटों में बीजेपी ने 16 विधानसभा सीटें जीती, तो उद्धव की पार्टी के 14 विधायक जीते थे। वहीं कांग्रेस ने 4 और एनसीपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी का भी 1 विधायक जीता था। शिवसेना में 2022 में बगावत हो गई थी। इस दौरान एकनाथ शिंदे के साथ जाने वालों में मुंबई के 6 शिवसेना विधायक भी थे, लेकिन उद्धव मुंबई में फिर भी कमजोर नहीं हुए। ये बात इस साल के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2024 के चुनाव में उद्धव की शिवसेना यूबीटी, टी और कांग्रेस 1 सीट पर जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई। वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 1 सीट हासिल की। मुंबई की 6 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। ऊपर से बीएमसी में भी लगातार 25 सालों से उद्धव का दबदबा कायम है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब खास रणनीति बनाई है। इसके तहत महाराष्ट्र के पार्टी प्रभारी अश्विनी वैष्णव 5 अगस्त के बाद मुंबई के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देंगे, लोकसभा चुनाव में हार की वजहों पर मंथन करेंगे, सभी 36 विधानसभा क्षेत्रों का खुद जायजा लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर टिकट तय होंगे। इस बीच बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर भी आक्रामक हो गई है। धारावी में हुई हिंदुवादी नेता अरविंद वैश्य की हत्या को पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। हिंदुत्ववादी धारावी का कार्यकर्ता अरविंद, उसके मर्डर के पीछे अल्लू, रफी, जुमन, ये लोकसभा चुनाव के बाद इनकी हिम्मत क्यों बढ़ी? ये चैलेंज की भाषा राजनीतिक चैलेंज के लिए नहीं है, कि आरोपियों को बताने के लिए कि तुम चिंता मत करो, गृह मंत्री और पुलिस को निपटा देंगे। वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।